तो गाइस आज लेके आया हूँ आप लोगों के लिए 60,000 रुपीस में आने वाला एक फुल परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गेमिंग पीसी। अब इस वाले पीसी में हमने कोई चालू चिल्लर नहीं यार RX 6600 XT ग्राफिक कार्ड यूज किया है, 8GB की VRAM के साथ आता है। साथ ही साथ में यहाँ पे हमने इंटेल का i5 प्रोसेसर भी यूज किया है, वो भी 12th जनरेशन वाला। एंड इतना ही नहीं, यहाँ पे हमने काफी ज्यादा अच्छा सा यार सुंदर दिखने वाला अच्छे एयर फ्लो वाला गेमिंग कैबिनेट भी यूज किया है। अब इस वाले पीसी को ऑर्डर किया है किरण जी ने, जो कि रहने वाले हैं शिमला की। तो ये वाला जो पीसी है ये जाने वाला है शिमला। अब अगर आपको भी बनाना था कुछ इसी तरह का गेमिंग एडिटिंग या फिर स्ट्रीमिंग पीसी तो इंतजार किस बात का यार, अब आप आपका गेमिंग पीसी सीधा हमसे ही ऑर्डर कर सकते हो एकदम सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करके। हमारी इंस्टा आईडी की लिंक आपको मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन एंड फर्स्ट पिन कमेंट में। यहाँ पे जाओ, मैसेज करो वीडियो या वॉइस कॉल पे डायरेक्ट मुझसे ही, अपने भाई से ही डिस्कशन करो एंड आज ही ऑर्डर कर दो अपने लिए ऐसे ही ब्रांड न्यू चमचमाता हुआ गेमिंग पीसी हमारे यहाँ से। हम आपके पीसी में विंडोज एंड गेम्स इंस्टॉल करके आपके डोरस्टेप तक डिलीवर करवा देंगे। एंड इसी तरह की पीसी बिल्ड वाली वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रख देना ताकि इस तरह की वीडियोस आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग अभी के टाइम पे भी पायरेटेड विंडोज यूज करते हो ना तो ये काफी ज्यादा रिस्की चीज है। एंड अभी के टाइम पे आपको यार विंडोज की कीज काफी ज्यादा चीप प्राइसेस से मिल जाती है। फ्रॉम VIP कीज आप लोग यहाँ से बाई कर सकते हो ओनली 650 रुपीज में, आपको यहाँ पे OEM कीज देखने मिल जाती है। एंड साथ ही साथ में 1100 रुपए में आपको रिटेल कीज देखने मिल जाती है जो कि यार काफी ज्यादा सस्ती प्राइस है। एंड साथ ही साथ में अगर आप यहाँ पे हमारा कूपन कोड यूज करते हो जो कि है TC350 तो आप लोगों को एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इनकी वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वहां से जाके परचेस कर सकते हो। तो गाइस ये रहे वो सारे पार्ट्स जिनका उपयोग करके हम इस वाले पीसी को बनाने वाले हैं। ये एक इंटेल बेस्ड पीसी होने वाला है। तो प्रोसेसर के लिए यहां पे हमने बेस्ट प्रोसेसर यूज किया है जो कि है इंटेल का i5-12400F। इस बजट में काफी ज्यादा बेहतरीन प्रोसेसर है, 6 कोर 12 थ्रेड आपको देखने मिल जाते हैं। साथ ही साथ में यहां पे आप लोगों को फ्री में स्टॉक कूलर भी देखने मिल जाता है। एंड यार बजट में आ जाता है, गेमिंग एडिटिंग एंड स्ट्रीमिंग तीनों ही काम इसके ऊपर आप कर सकते हो अच्छा सा ग्राफिक कार्ड लगा के। तो सीरियल नंबर देख लो, सील व्हील देख लो, फटाफट से यार इसको मैं ओपन कर लेता हूं एंड डब्बे के अंदर आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ क्या क्या चीजें देखने मिलती है क्योंकि अनबॉक्सिंग करना जरूरी है ट्रांसपेरेंसी वाले इश्यू के लिए। अब ये देख लो, स्टॉक कूलर आपको मिल जाता है डब्बे के अंदर एंड आपको यहाँ पे साइड में आपको प्रोसेसर देखने मिल जाता है जो कि है 12400F। तो फिलहाल इसको साइड पर रखते हैं। थोड़े बहुत हमको पेपर देखने मिल जाते हैं जो कि हम यार कभी पढ़ते नहीं है। अब ग्राफिक कार्ड वाला जो मामला था ना वो ऐसा था कि यार कल की वीडियो में हमने ये वाला कार्ड यूज किया था जो कि हमने पीसी बनाया था जो कि है RX 6600 XT। तो सेम कार्ड यहाँ पे हम अगेन लगा रहे हैं भाई। अब ये वाला जो कार्ड है ट्रिपल फैन वाला वेरिएंट है एंड यहाँ पे आप लोगों को यार PCI 4.0 का सपोर्ट देखने मिल जाता है, परफॉर्मेंस OP लेवल की मिलेगी, इसीलिए हम यहाँ पे 12400F लगाए हैं ताकि यार Zen 4 का भी सपोर्ट देखने मिल जाए। सील व्हील देख लो यहाँ पे आप लोग, दोनों साइड से यार सील पैक है। फटाफट से मैं इसको भी अनबॉक्स कर देता हूँ वीडियो में ही। अब 8GB की यहाँ पे आपको VRAM देखने मिल जाती है, 1080p पे आराम से आप 60+ FPS पे ज्यादातर गेम्स ऑलमोस्ट सारे गेम्स आप इस वाले कार्ड के ऊपर खेल सकते हो एंड काफी ह्यूज बॉक्स के साथ आता है। OC एडिशन है यार, आप लोगों को ओवरक्लॉक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस तरह का आपको बॉक्स देखने मिल जाता है। एंड यहाँ पे आप लोगों को पॉलीथीन के पीछे भी सील देखने मिल जाती है, इसको मैं फटाफट से निकाल लेता हूँ। कार्ड को देखो यार, काफी ज्यादा कमाल का यार सुंदर सा ग्राफिक कार्ड है, ट्रिपल फैन एडिशन वाला, सिल्वर एंड ब्लैक कलर की थीम के साथ आता है। पीछे आपको बैक प्लेट भी देखने मिल जाता है एंड यहाँ पे आप लोगों को 2 HDMI और 2 DP पोर्ट देखने मिल जाते हैं। तो ये वाला ग्राफिक कार्ड हम लगाने वाले हैं जो कि आप लोगों को मिल जाएगा अराउंड 25,000 रुपीज के आसपास। हमारे यहाँ प्रोसेसर की प्राइस की बात करो तो ये आप लोगों को मिल जाएगा 14,000 रुपीज में। अब गाइस इस वाले बिल्ड को बजट में कंप्लीट करना था, दैट्स व्हाई यहाँ पे हमने गीगाबाइट का H610 मदरबोर्ड यूज किया है जो कि है H2V2DDR4, काफी लंबा नाम है। अब यहाँ पे भी यार सील व्हील देख लो आप लोग, बजट में अगर आप लोगों को i3 i5 चलाना था तो डेफिनेटली आप इस वाले चिपसेट के साथ जा सकते हो, बाकी अगर बजट ज्यादा था तो इसकी जगह आप B660 भी ले सकते हो, अपने बजट के अनुसार यार मदरबोर्ड आप लोग चूज कर सकते हो। क्योंकि अगर B660 लोगे तो फ्यूचर में 13 जनरेशन भी आप लगा सकते हो, बट फिर B660 महंगा आ जाता एंड इस वाले बिल्ड को हमको बजट में कंप्लीट करना था। माइक्रो ATX मदरबोर्ड है, छुटकू सा 2 RAM स्लॉट मिलता है, NVMe का स्लॉट देखने मिल जाता है, बाकी इस वाले बिल्ड के लिए यार ठीक है, मतलब मोर देन इनफ है, आप सफिशियंट आप कह सकते हो। ब्लूटूथ वाईफाई सपोर्ट के साथ नहीं आता है, तो अगर आप लोगों को वाईफाई चलाना था तो मेक श्योर कि यार एक वाईफाई एडेप्टर ले लेना जो कि ज्यादा महंगा नहीं है, आराम से आप लोगों को मिल जाएगा यार 300-400 रुपए में। क्योंकि काफी सारे लोग वीडियो में पूछते हैं कि विवेक भाई जिस मदरबोर्ड में ब्लूटूथ वाईफाई का सपोर्ट नहीं आता उसके अंदर हम वाईफाई कैसे चलाएं, तो इस तरह से आप चला सकते हो यार, 300-400 रुपए का एक एडेप्टर ले लो USB वाला, उसको पीछे लगा लेना। अब रैम के लिए यहाँ पे हम फिलहाल 8GB की सिंगल स्टिक रैम लगा रहे हैं जो कि है XPG की D30, 3200 MHz वाली रैम है। फटाफट इसको भी अनबॉक्स कर लेंगे। 16GB इसलिए नहीं लगाए, अगेन वही बजट वाला इश्यू भाई, बजट को भी हमको ध्यान में देखना है एंड यहाँ पे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड पीसी भी बना रहे हैं तो हमने
परफॉर्मेंस के ऊपर ज़्यादा खर्चा किया, बाकी रैम वाला जो भी सीन होता है ये तो आप लोग यार बाद में आराम से एक सिंगल स्टिक और लेके अपग्रेड कर सकते हो। एंड उसके बाद स्टोरेज के लिए गाइस यहाँ पे हमने यार 500 GB की NVMe SSD लगाई है Zen 4 वाली, जो कि है किंगस्टन की उनकी NV2। 35 MBPS की रीडर राइट स्पीड यहाँ पे आपको देखने मिल जाती है। ओवरऑल काफी बढ़िया बजट वाली ऐसे NVMe है। एंड यहाँ पे अगर आप लोग चाहो ज्यादा स्टोरेज चाहिए तो इसकी जगह आप एक हार्ड ड्राइव ले सकते हो 1 TB का एंड 256 GB का NVMe भी लगा सकते हो। तो देख लेना अगर आपका बजट है तो आप लोग यार हार्ड ड्राइव लगा सकते हो, बाकी 512 GB अगर आपका काम चल जाएगा तो इसको आप ले सकते हो। लास्ट में इस पूरे बिल्ड को अगेन पावर अप करने के लिए यहाँ पे हमने 550 वोल्ट का PSU यूज किया है, जो कि है डीप कूल का, 80+ स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन के साथ आता है, ब्रीडेड केबल्स भी मिल जाते हैं, सारे के सारे यहाँ पे आपको फ्लैट केबल्स देखने मिल जाते हैं। लॉजिकली देखे तो 650 वोल्ट सही रहता थोड़ा सा फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, बट यहाँ पे ये वाला जो ग्राफिक कार्ड है ज्यादा पावर कंज्यूम नहीं करता है, अराउंड ये 160 वोल्ट के आसपास की पावर कंज्यूम करता है, तो उसको देखते हुए यहाँ पे हमने 550 वोल्ट का PSU लगा दिया है। एंड इसके अंदर डब्बे के अंदर आपको यार जिप टाइज देखने मिल जाती है, साथ ही साथ में ये रहा आपका PSU जो कि ब्रीडेड केबल्स के साथ आता है, एंड यहाँ पे आपको अमेरिकन स्टाइल वाला पावर केबल भी देखने मिल जाते हैं। लास्ट में कैबिनेट के लिए गाइस यहाँ पे हमने यूज किया है एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से आने वाला उनका 250 एयर कैबिनेट, जो कि यार 3 ARGB पंखों के साथ आता है, फ्रंट में टोटल मेस पैनल है, साथ ही साथ में यहाँ पे आप लोगों को कंट्रोल भी कर सकते हो यार फैन को आप तीनों, और क्या चाहिए। बाकी के जो भी बेसिक से फीचर्स आते हैं जैसे यहाँ पे आपका PSU शराउड हो गया, मैग्नेटिक डस्ट फिल्टर हो गया, सारा कुछ यहाँ पे आप लोगों को देखने मिल जाता है, एंड ये आपके बजट में आ जाता है। दैट्स व्हाई यहाँ पे हमने ये वाले केस को लगाया है, जो कि आप लोगों को मिल जाएगा अराउंड 3500 रुपीज के आसपास, तो ये वाला केस लगा रहे हैं। अब यार बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से हम इस वाले PC को बना लेते हैं, बट उससे पहले कैमरे का एंगल थोड़ा सा नजदीक में कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को एकदम क्लियर दिख सके। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मदरबोर्ड का बॉक्स अपने पास ले लेते हैं, उसके बाद ये जो ब्लैक वाली प्लास्टिक है उसको हम फटाफट से ऐसे निकाल देंगे, क्योंकि ये जस्ट सिक्योर करने के लिए आती है पिंस को, जो कि यार आप लोगों को मदरबोर्ड के अंदर ही देखने मिल जाती है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे हम अपना प्रोसेसर लगा लेंगे, जो कि हमारा 12400F, ये रहा हमारा CPU। अब इसको हम फटाफट से बॉक्स से निकाल लेते हैं, एंड इसके पीछे देख लो कोई पिंस नहीं आती है, हालांकि जो AMD के पुराने CPUs होते हैं उनके अंदर पिंस आती है, यहाँ पे नहीं है, पिनलेस प्रोसेसर आप इसको कह सकते हो। अब यहाँ पे आप लोगों को एरो की देख लेना है, जो कि आप लोगों को यार स्टील के ऊपर दिखने मिल जाएगी, एंड प्रोसेसर के ऊपर भी आपको मिल जाती है, इस साइड है, तो उसी साइड हम प्रोसेसर को फेस करते हुए अपने प्रोसेसर को रख लेंगे। आफ्टर दैट लीवर को ऐसे बंद कर देंगे, बस प्रोसेसर हमारा लग चुका है। एंड यहाँ पे स्टॉक कूलर अब लगा लेते हैं, अब पेस्ट वेस्ट हम नहीं लगाएंगे बिकॉज यहाँ पे हमको स्टॉक कूलर के साथ ही प्री अप्लाइड पेस्ट देखने मिल जाता है, जो कि ये रहा। एंड ये जो स्टॉक कूलर है ना, सही बताऊं तो यार अच्छा नहीं है, मतलब इस प्रोसेसर के लिए ठीक है अगर आपको नॉर्मल यूज़ करना है, बाकी तो मेरे हिसाब से अगर आप लोग एक हेक्साकोर वाला प्रोसेसर लगा रहे हो 12th generation तो आप लोगों को एक एयर कूलर तो मेरे हिसाब से ले ही लेना चाहिए, बाकी बजट कम था तो इसके साथ आप जा सकते हो। अब यहाँ पे देख लो हमने यहाँ पे यार इसको लगा दिया है, चारों की जो पिन है वो बाहर आ गई, दैट मीन्स कि यार आपका जो प्रोसेसर है वो प्रॉपरली बैठ गया है, जस्ट एक कन्फर्मेशन के लिए रीचेक कर सकते हो। एंड इसके बाद यहाँ पे इसके वायर को हम लगा लेंगे CPU फैन हेडर वाले वायर में। ओके, यहाँ तक का जो हमारा काम था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बारी आती है रैम की, रैम को फटाफट से हम लगा लेते हैं, जो कि पहले वाले स्लॉट में ही जाएगा, बिकॉज यहाँ पे हम एक ही रैम लगा रहे हैं तो भाई ड्यूअल चैनल वाला तो कोई सीन ही नहीं है। उसके बाद गाइस यहाँ पर हम अपनी NVMe को लगा लेंगे, जो कि इस तरह के अभी के जो गीगाबाइट में ये आपको देखने मिलता है ना NVMe का, तो ये आप लोगों को प्लास्टिक वाला देखने मिल जाता है, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। तो आपको करना कुछ नहीं होता, स्क्रू की जरूरत ही नहीं है, स्क्रू ड्राइवर की भी नहीं, आप सीधा NVMe वाले स्लॉट में NVMe को डालो, एंड ये जो ब्लैक वाला प्लास्टिक है इसको आप इस तरह से कुछ बंद कर दो, जैसा कि मैंने कर दिया, थोड़ा नज़दीक से आपको दिखा देता हूँ, तो देखा कितना ज़्यादा सिंपल था। तो ये वाला जो काम था इसको हमने कंप्लीट कर लिया है, हालांकि इसको अभी हम फटाफट से एक फोल्ड मार देते हैं, एंड उसके बाद इसको डाल लेते हैं कैबिनेट के अंदर। तो निकाल लेते हैं केस को डब्बे के बाहर से, जो कि हमारा 250 एयर एक बजट में आने वाला यार एयरफ्लो ओरिएंटेड गेमिंग कैबिनेट आप इसको कह सकते हो। 3 पंखे मिल जाते हैं फ्रंट में, रियर में कोई फैन नहीं है, चाहो तो लगा सकते हो। टेम्पर्ड पैनल एंड साइड का ग्लास फटाफट से निकाल के हम साइड पर रख देते हैं संभाल के, ताकि टूटे फूटे ना। आफ्टर दैट यहाँ पे सबसे पहले अपनी IO शील्ड लगा लेंगे। अब IO शील्ड लगाने के बाद यहाँ पे अपने मदरबोर्ड को लगा लेते हैं, जो कि है H610। मदरबोर्ड लगाने के बाद आराम से यहाँ पे यार पीछे जो केस वाले केबल्स है, जैसे कि फ्रंट पैनल कनेक्शन, USB कनेक्शन, सारे केबल्स को फटाफट से मदरबोर्ड में डाल देते हैं। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे हम अपना PSU लगा लेते हैं, जो कि 550 वोल्ट का PSU ये जाएगा यार पीछे की साइड PSU श्राउड में। 4 स्क्रूज मार देते हैं टाइप करने के बाद। आफ्टर दैट यहाँ पे देखो काफी मेसी माहौल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे केस वाले केबल्स एंड यहाँ पे PSU वाले केबल्स भी साथ में इकट्ठा हो जाते हैं। अब यहाँ पे 28-pin कनेक्टर एंड यहाँ पे अपने मदरबोर्ड को पावर देने के लिए जो भी पावर केबल आता है, सारे केबल्स को अगेन अपने मदरबोर्ड में डाल देंगे। एंड आफ्टर दैट PCI केबल को हम बाहर निकाल लेते हैं, ताकि आराम से यार अपने ग्राफिक कार्ड को लगा सके। एंड यहाँ पे हम इसके बाद अपने ग्राफिक कार्ड को लगा लेते हैं फटाफट से, इसको PCI केबल से पावर दे देते हैं। एंड लास्ट में पीछे जिप टाइज की मदद से अच्छा सा केबल मैनेजमेंट कर लो, ताकि यार आगे की साइड PC क्लीन रहे एंड पीछे की
लाइट भी क्लीन रहे। ओवरऑल केबल मैनेजमेंट करके पीछे का पैनल बंद कर लेते हैं एंड फाइनली टर्न ऑन कर लेते हैं इस वाले पीसी को। तो अब आराम से यार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ 60,000 रुपीज में आप लोगों को कैसे लगे यार इस वाले पीसी के कॉम्पोनेंट्स। बाकी अगर आप लोगों के पास 60,000 रुपए होंगे तो आप लोग ये वाला कॉम्पोनेंट लेना पसंद करोगे या फिर जाना चाहोगे किसी और कॉम्पोनेंट्स के साथ, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, ज्यादा नहीं 1,000 लाइक कंप्लीट करवा दो। बाकी पीसी वीसी ऑर्डर करना था तो इंस्टाग्राम आईडी पे जाके मैसेज कर लेना जो कि है टेक कम्युनिटी इंडिया। मैं मिलूंगा आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।